मैं दीपा आपका स्वागत करती हूँ अपने चैनल बाग बगीचा पैशन एंड क्रिएशन में, जहाँ हम बात करते हैं पेड़ पौधों की और किसी क्रिएटिविटी की। तो ये मेरा हिबिस्कस का प्लांट है हाइब्रिड का, जिसकी जो स्टेम्स हैं वो काफ़ी लैगी हो गई हैं, और ये जो टाइम है ये भी टाइम है एक नई ग्रोथ का। तो मैं सारी जो अपना ये प्लांट है इसकी बहुत ही अच्छे से हार्ड प्रूनिंग करने वाली हूँ, ताकि मेरे जो प्लांट है उसको एक नया जीवन मिल सके। तो अगर आपने भी अपने प्लांट्स की अभी हार्ड प्रूनिंग नहीं करी है तो ये सही समय है जब अपने प्लांट की आप हार्ड प्रूनिंग कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा, जब भी अपने प्लांट की हार्ड प्रूनिंग करें तो बहुत ज़्यादा धूप नहीं होनी चाहिए, ताकि उसको एनवायरमेंटल शॉक ना लगे। तो मैं सुबह के समय ही अपने प्लांट की हार्ड प्रूनिंग कर रही हूँ। जो भी आप औजार यूज करें उसको आप ध्यान रखिएगा, वो अच्छे से क्लीन होना चाहिए, किसी भी तरह का इन्फेक्शन नहीं होगा आपके प्लांट को। हालांकि इस पर बर्ड्स आ गई हैं, लेकिन मुझे ये हटाना था तो मैं इसलिए इसको हटा रही हूँ। अगर बर्ड का लालच करूँगी तो उसके बाद प्लांट की कटिंग नहीं कर पाऊँगी, और ये बिल्कुल करेक्ट समय है। तो मैं यहाँ पर इसकी हार्ड प्रूनिंग कर देती हूँ। इसकी मैंने शेप बहुत ही छोटी रखी है ताकि ये प्लांट फिर से ग्रोथ पकड़े, और जब मैं इसकी हार्ड प्रूनिंग कर दूंगी तो मैं इसकी कटिंग को नहीं फेंकूंगी। जो हार्ड कटिंग होगी उसको मैं प्रोपेगेट कर लूंगी और नए प्लांट्स बना लूंगी। ध्यान रखिएगा, ये समय पर आपको अपने प्लांट्स में अच्छा न्यूट्रिशन देना है, अच्छा कंपोस्ट देना है, लेकिन पहले ही उसकी हार्ड प्रूनिंग कर लेनी है। ये मेरा दूसरा हाइब्रिड हिबिस्कस है, ये भी बहुत अच्छे फ्लावरिंग करता है, लेकिन मुझे इसकी जो लैगी स्टेम्स है वो नहीं चाहिए। मैं चाहती हूँ ये मेरा प्लांट फिर से अच्छी ग्रोथ पकड़े, तो मैं इसकी बहुत ही अच्छे से हार्ड प्रूनिंग कर रही हूँ। यानी आपके जो पास पौधे हैं, चाहे आप उसको सॉफ्ट प्रूनिंग करें या आप उसकी हार्ड प्रूनिंग कर दें, इस समय आप इसकी किसी भी तरह से हार्ड प्रूनिंग कर सकते हैं, और उसके बाद ही आप इसमें कंपोस्ट डालिएगा। और ये काम आपको मार्च के महीने में जल्दी ही कर लेना है, ताकि आपको लेट ना हो, आपका प्लांट ग्रोथ जल्दी करे और आपको फ्लावरिंग भी जल्दी मिले। तो इस तरह से मैंने सारे पेड़ की कटिंग कर ली, अपने पौधे की कटिंग कर ली है। आप देख सकते हैं कितना घना पौधा था और मैंने इसको कितना छोटा कर दिया है। जब कटिंग कर लेंगे तो इसकी जो मोटी स्टेम है वो ही सेलेक्ट करेंगे। अब प्लांट देखिएगा, अब जब इसकी नई ग्रोथ होगी वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगी, और उसके बाद मैं आपको कटिंग की रिजल्ट भी दिखाऊंगी जो मैं अब लगाने वाली हूँ। मैंने दो नॉर्मल मिट्टी वाले प्लांटर लिए हैं। अपनी कटिंग को थोड़ी सी हार्डवुड लेनी है, सॉफ्ट कटिंग नहीं चलती है। उसके बाद या तो किसी स्टिक की हेल्प से आप होल कर लीजिए, क्योंकि मैंने गमले की अभी गुड़ाई करी थी तो मेरी मिट्टी सॉफ्ट है, मैं बड़े आराम से इनको इंसर्ट करूंगी मिट्टी में। आप भी ऐसा कर सकते हैं, अगर आपकी मिट्टी हार्ड है तो आप किसी टूल की हेल्प से पहले होल कर लेंगे। अगर आप डायरेक्ट ही जड़ों को इनको कटिंग्स को घुसाएंगे और आप आराम से नहीं जाएंगी तो आपकी यहाँ पे डैमेज हो जाएगी और उसमें रूटिंग नहीं होगी। तो इस तरह से आपको सारी कटिंग लगा लेनी है। जब आप कटिंग लगा लेंगे तो आप अपने जो सारे प्लांटर्स हैं उसकी मिट्टी को दबा दबा कर अच्छे से सेट कर लेंगे। अगर आप मिट्टी को ऐसे ही छोड़ देंगे, उसको दबाकर सेट नहीं करेंगे, तो मिट्टी में एयर पॉकेट्स रह जाएंगे। जब आप उसमें पानी दोगे, पानी उसमें ठहर जाएगा और आपकी जो कटिंग है वो नीचे से सड़ जाएगी, उसमें किसी भी तरह की रूटिंग नहीं होगी, आपको नया प्लांट नहीं मिलेगा। तो मैं यहाँ पर साफ का फंगिसाइड ले रही हूँ, जो मैं अपने गमले में भी स्प्रिंकल करूँगी, और साथ ही जो मेरे कटे हुए ऊपरी पार्ट है कटिंग के उसको भी मैं सील करने के लिए काम करूँगी। अगर आपके पास फंगिसाइड नहीं है तो आप हल्दी पाउडर ले सकते हैं, हल्दी पाउडर से भी आप इसके जो ऊपरी हिस्से हैं उन्हें सील कर सकते हैं। अगर आप इसके अपर पार्ट को सील कर देते हैं तो आपके प्लांट में फंगस का खतरा नहीं रहता। Thank you.
कटिंग लगाने के फौरन बाद इनको सनलाइट में नहीं रखना है, कुछ दिनों के लिए आप इसे सेमी शेड में रखिए ताकि आपकी कटिंग ग्रो करे, और जब आपको नई ग्रोथ नज़र आए तो आप इसे धूप में शिफ्ट कर सकते हैं। वीडियो पसंद आई है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। लाइक करो।